हेलो फ्रेंड्स, आई एम दामिनी चक्रधारी एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएससी सेकंड ईयर इन गवर्नमेंट कंगला मांझी कॉलेज डोंडी। टॉपिक इज रूट सिस्टम द रूट एपिकल मेरिस्टेम। कंटेंट्स देखते हैं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ रूट, थर्ड है पार्ट ऑफ टिपिकल रूट, फोर्थ है टाइप्स ऑफ रूट, फिफ्थ है रूट एपिक्स मेरिस्टेम, सिक्स है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपिक्स, सेवन्थ है फंक्शन ऑफ रूट, एट है रेफरेंसेस। फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखने से पहले मैं टॉपिक को एक बार और बता देती हूँ। टॉपिक है रूट सिस्टम द रूट एपिकल मेरिस्टेम। जड़ तंत्र के साथ साथ हम लोग जड़ शीर्षस्थ विभिजोतक या मूलाग्र विभिजोतक के बारे में जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन है, पौधे का वह अवरोही अक्ष डिस्केंडिंग एक्सिस जो कि प्रकाश के विपरीत तथा जल एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करता है, जड़ या मूल कहलाता है। सामान्यतः जड़ भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होता है जिसे प्राथमिक मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल से ही शाखाएं, उपशाखाएं, रेशे आदि निकलती हैं। सम्मिलित रूप से यह मूल प्रणाली रूट सिस्टम कहलाता है। सेकंड है स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ रूट। जड़ के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जिनमें से हैं, जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। डायग्राम में एक जर्मिनेटेड सीड प्लांट का दिखाया गया है जिनमें एक जर्मिनेट सीड प्लांट में रूट एपिक्स का फॉर्मेशन रेडिकल से होता है और शूट एपिक्स का फॉर्मेशन प्यूमिल से होता है। तो जो रूट एपिक्स है वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती एवं धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल की ओर जड़ें गति करती हैं। आगे है जड़ों पर पर्व एवं पर्व संधियाँ नहीं पाए जाते। जड़ों पर क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। जड़ों के अग्रीय भाग पर मूल टोप रूट कैप उपस्थित होता है। थर्ड है पार्ट ऑफ अ टिपिकल रूट, एक प्रारूपिक जड़ के भाग। फर्स्ट है रूट कैप, सेकंड है जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन या ग्रोइंग रीजन, थर्ड है रीजन ऑफ इलोंगेशन, फोर्थ है रूट हेयर, फिफ्थ है परमानेंट या मैच्योर्ड रीजन। डायग्राम में देखें तो यह एक प्रारूपिक जड़ के भाग है जिनमें मुख्य तीन भाग होते हैं जड़ के। फर्स्ट है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, सेकंड है रीजन ऑफ इलोंगेशन, थर्ड है रीजन ऑफ सेल डिविजन या मेरिस्टेमेटिक जोन। तो रूट कैप जो है वो रीजन ऑफ सेल डिविजन या मेरिस्टेमेटिक जोन के अंतर्गत आता है और रूट हेयर है वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन डिविजन के अंतर्गत जोन के अंतर्गत आता है। तो रूट कैप देखते हैं। जड़ का अग्रस्त क्षेत्र एक डोमिनुमा रचना द्वारा सुरक्षित रहता है जिसे रूट कैप कहते हैं। यह कैलिप्टोजन नामक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बना होता है। रूट कैप रूट एपिक्स की रक्षा करता है। आगे है जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन या ग्रोविंग रीजन या वृद्धि क्षेत्र। रूट कैप के ऊपर लगभग एक मिमी का भाग वृद्धि क्षेत्र या ग्रोविंग रीजन होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है क्योंकि यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं के द्वारा जड़ की वृद्धि होती है। अगला है रीजन ऑफ इलोंगेशन, दीर्घीकरण क्षेत्र। वृद्धि क्षेत्र या ग्रोविंग रीजन के ऊपर 2.5 मिमी का क्षेत्र होता है। इसकी कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि करती हैं। जड़ों की लंबाई बढ़ने में इसी का योगदान होता है। आगे है रूट हेयर मूल रोम। मूल रोम अल्पजीवी होते हैं। 10 से 15 दिनों में नए मूल रोम का निर्माण होता है और ये एक जीवी एक कोशिकी होते हैं। आगे है रीजन ऑफ मैचुरेशन। जड़ों का प्रॉन तथा मुख्य भाग यही होता है जो पौधे को भूमि से स्थिर रखने में सहायक होता है। आगे है टाइप्स ऑफ रूट, जड़ के प्रकार। उत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर जड़ें दो प्रकार की होती हैं, टैप रूट और एडवेंटिटियस रूट। फर्स्ट देखते हैं टैप रूट, मूसला जड़। इस प्रकार की जड़ें मूलांकुर से निकलकर भूमि के अंदर गहराई तक जाती हैं। इनसे अनेक लैटरल रूट्स निकलती हैं जो कि जड़ को स्थिर रखने में सहायक होती हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये सदैव बनी रहती हैं, ये सदैव मूलांकुर से उत्पन्न होती है। इनके चारों ओर द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ें निकलती हैं। ये द्विबीजपत्री पौधे जैसे आम, नीम आदि में पाई जाती है। सेकंड है एडवेंटिटियस रूट, अपस्थानिक जड़। कुछ बीजों में अंकुरण के पश्चात मूलांकुर नष्ट हो जाते हैं जैसे घान। इनके स्थान पर अनेक अपस्थानिक जड़ें निकल आती है जो कि रेशेदार जड़ तंत्र का निर्माण करती हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये सदैव बनी नहीं रहती, ये मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य भाग से निकलती है। इनसे द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ें नहीं बनती। ये प्राय एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, घास आदि। डायग्राम में देखें तो यह टैप रूट सिस्टम है और ये एडवेंटिटियस रूट सिस्टम, जिनमें टैप रूट में सेकेंडरी और टर्शियरी रूट दिखाया गया है और इनमें ये रूट्स अब्सेंट होते हैं। आगे है रूट एपिकल मेरिस्टेम मूलाग्र विभिजोतक। वृद्धि में संलग्न मूल, मतलब रूट का वह उपशीर्षस्थ भाग जिनमें विभिजोतक
स्थित रहते हैं जो मूल के विभिन्न आंतरिक ऊतकों के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। मूलाग्र रूट एपिक्स कहलाता है। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो रूट एपिक्स पर प्रेजेंट होते हैं, शीर्ष पर प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम में देखें तो एक रूट एपिक्स का डायग्राम है। इनकी विशेषताएं ये है कि ये सब टर्मिनल होते हैं, अर्थात ये टिप पर ना होकर के टिप के जस्ट बाद होता है, क्योंकि टिप पर तो रूट कैप प्रेजेंट होता है। पार्शल इनमें पार्शल शाखाएं नहीं होते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम शूट एपिकल मेरिस्टेम से थोड़ा छोटा होता है। इसे रूट एपिक्स की संरचना और संगठन को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट और थ्योरीज दी हैं, जो कि आगे है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपिक्स, मूलाग्र के संगठन से संबंधित वाद। तो मूलाग्र रूट एपिक्स की संरचना एवं संगठन को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए। फर्स्ट है एपिकल सेल थ्योरी, सेकंड है एस्ट्रोजन थ्योरी, थर्ड है पार्ट ऑफ कॉपर कैपेट थ्योरी, फोर्थ है क्विजन सेंटर थ्योरी। फर्स्ट देखते हैं एपिकल सेल थ्योरी, शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत। इसको सर्वप्रथम नागेली द्वारा 1858 में दिया गया था। शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत टेडोफाइट्स पौधों के मूलाग्र की संरचना के लिए सही मानी जाती है, मतलब टेडोफाइट्स पौधों में यह थ्योरी लागू होती है। डायग्राम में देखें तो यह एपिकल सेल का सेलुलर डिटेल है, जिनमें एपिकल सेल एक सिंगल एपिकल सेल से कंप्लीट रूट एपिक्स का फॉर्मेशन होता है। तो एपिकल सेल्स ऊपर साइड लेटरल और सेंट्रल में डिवीजन करके कंप्लीट रूट टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, और नीचे साइड डिवीजन करके गैप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे कलिप्ट्रा या रूट कैप कहते हैं। इस प्रकार का मतलब ये जो थ्योरी है वो स्पर्मेटोफाइट्स के लिए लागू नहीं होती है। आगे है एस्ट्रोजन थ्योरी। इसको सर्वप्रथम हाइंस्टीन द्वारा 1868 में दिया गया था। इनके अनुसार रूट एपिक्स मेरिस्टेम जो है वो थ्री लेयर में विभाजन करते हैं। फर्स्ट है डर्मेटोजेन जो कि एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है, सेकंड है पेरीब्लेम जो कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है, प्लीरोम जिससे वास्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन होता है। डायग्राम में देखें यह डर्मेटोजेन का लेयर होता है जो कि बाह्य त्वचा का फॉर्मेशन करता है। इसके जस्ट बाद पेरीब्लेम पाया जाता है जो कि कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन है, वल्कुट का फॉर्मेशन करता है, और इसके बाद प्लीरोम की लेयर पाई जाती है जो कि वैस्कुलर सिलेंडर का निर्माण करती है। तो डर्मेटोजेन की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती है और विभाजन करके टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, जिसे कैलिप्ट्रोजन कहते हैं। हाइंस्टीन थ्योरी का ही थोड़ा मॉडिफाइड करके एक और साइंस्टीन थे हैबरलैंड, इन्होंने ही स्टेजन थ्योरी का जो सजेशन था उनको थोड़ा मॉडिफाइड करके अपना कॉन्सेप्ट दिया। तो उन्होंने सिर्फ डर्मेटोजेन पेरीब्लेम और प्लूरोम की जगह नाम को चेंज किया। तो डर्मेटोजेन की जगह उन्होंने प्रोटोडर्म रखा, पेरीब्लेम की जगह उन्होंने नाम को ग्राउंड मेरिस्टेम रखा, और प्लूरोम की जगह प्रोकैम्बियम रखा। बाकी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वैस्कुलर सिलेंडर, इन तीनों का संरचना और संगठन एक ही है। आगे है कॉपर कैपे थ्योरी। इसको श्यूब द्वारा सन 1917 में दिया गया था। इन्होंने टू टाइप ऑफ सेल के बारे में बताया, और जो सेल था उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो डिफरेंट प्लांट में कैसे वारी करता है, मतलब विभिन्न तल पर विभाजन किस तरीके से पौधों में होता है, इन पर इन्होंने बताया था। तो इन्होंने बताया कि जो सेल्स होती हैं वो बाहर की ओर विभाजित होती हैं, और यह जो विभाजन है वो बाहर की ओर टी शेप में होती है, जिसे इन्होंने मतलब कैपे नाम दिया। और जो लोअर साइड की जो सेल्स होती हैं उनमें इन्वर्टेड टी शेप, उल्टे टी शेप में इनका विभाजन होता है, जिसे इन्होंने कॉपर नाम दिया। इससे कॉपर कैपे थ्योरी नाम बने। इस प्रकार का विभाजन पोएशी फैमिली के मेंबर्स में पाया जाता है। आगे है क्विजेंस सेंटर थ्योरी। इसे क्लोज द्वारा 1858 में दिया गया था। इन्होंने बताया
रूट एपिक्स मेरिस्टेम के अंदर कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बीच में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं, इन्हें हम क्यूजेन सेंटर जोन कहते हैं। इनका मेन फंक्शन रिप्लेसमेंट होता है, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स लगातार विभाजन करते हैं, तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवीजन नहीं करते, ये साइलेंट रहते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और कैलिप्रोजन के बीच में पाया जाता है। कैलिप्रोजन हमने देखा था डर्मेटोजेन की सेल्स विभाजित होकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे डर्मेटोजेन कहते हैं, कैलिप्रोजन कहते हैं। तो ये कैलिप्रोजन और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बीच में पाई जाती है। तो क्लोव्स ने मक्का के पौधों में क्यूजेन सेंटर देखा था। यह एक संचित भाग होता है। जैसे ही रूट सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो रूट का इलोंगेशन होता है, दीर्घीकरण होता है, तो उस टाइम में ये पार्ट सॉइल पार्टिकल के कारण डैमेज हो जाता है। तो अगर मेरिस्टेमेटिक पार्ट डैमेज होता है तो उस टाइम पर यह क्यूजेन सेंटर एक्टिव हो जाता है और उस डिवीज़न स्टार्ट कर देती है उस डैमेज रीजन को कवर कर देती है, फिल कर देती है। तो ये था क्यूजेन सेंटर थ्योरी। आगे है फंक्शन ऑफ रूट, जड़ के कार्य। तो फर्स्ट है फिक्सेशन एवं एंसोरेज, स्थिरीकरण एवं जगरण। जड़ तथा उसकी शाखाएं पौधों को स्थिर रखने में मदद करती हैं, क्योंकि हर शाखा हर दिशा में फैले द्वितीयक एवं तृतीयक मूल उसी स्थान पर फैले पौधों को मिट्टी के साथ जगड़ कर रखने का कार्य करती है। सेकंड है अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, जल का अवशोषण। जड़ें भूमि से जल एवं खनिज लवणों को अपने मूल रोमों की सहायता से अवशोषित करती है। थर्ड है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, खनिज लवण एवं जल का संवहन। मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल पराश्रय द्वारा पौधे के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है। जड़ों में विभिन्न प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं जो जल एवं खनिज लवणों का संवहन करते हैं। इसके अतिरिक्त जड़ कुछ विशिष्ट कार्य भी करते हैं, जैसे कुछ जड़ अपने अंदर खाद्य पदार्थों को संचयन करके रखते हैं और संग्राहक अंग की भूमिका निभाते हैं, जैसे कि गाजर मूली आदि में। कुछ जड़ ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। कुछ जड़ ऐसे होते हैं जो पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, यांत्रिक आधार प्रदान करती हैं। एट है रेफरेंसेस। थैंक यू।